ब्रिटेन में महाराजा चार्ल्स तृतीय का बीते दिन पूरी परंपरा और भव्यता से राज्य अभिषेक हुआ। 70 साल बाद एक बार फिर निभाई गई इस शाही परंपरा के गवाह देश विदेश से आए 2000 अतिथि बने। करोड़ों लोगों ने टेलीविजन पर समारोह का सजीव प्रसारण देखा। इससे पहले 1953 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का राज्य अभिषेक हुआ था। इस राज्य अभिषेक में तमाम लोग जुड़े हुए थे और इसका आनंद उठाए। किंग चार्ल्स थर्ड के राज्य अभिषेक के साथ सन 1937 के बाद ब्रिटिश राजा का पहला राज्य अभिषेक है। चार्ल्स की मां महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद उन्हें सम्राट बनाया गया था। चार्ल्स थर्ड का शनिवार को यूनाइटेड किंगडम और 14 अन्य राजमंडल देशों के सम्राट के तौर पर महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के उत्तराधिकारी के रूप में ताज पहनाया गया। शाही गिरजाघर विंस्टमिंटर एबे में आयोजित समारोह में कैंटरबरी के आर्च बिशप ने महाराजा चार्ल्स तृतीय को 360 वर्ष पुराना सेंट एडवर्ड का ठोस सोने का बना हुआ मुकुट पहनाया। समारोह में महाराजा की पत्नी कैमिला का भी महारानी के रूप में औपचारिक अभिषेक हुआ। इस दौरान उन्हें महारानी मैरी का मुकुट पहनाया गया। समारोह में गाए जा रहे गास्पेल कायर के बीच टावर ऑफ लंदन से महाराजा को तोपों की सलामी दी गई। इसी तरह की तोपों की सलामी जिब्राल्टर, बरमुडा और समुद्र में मौजूद कई युद्ध पोतों से भी दी गई। कार्यक्रम में किंग चार्ल्स के छोटे बेटे प्रिंस हैरी को खास महत्व नहीं दिया गया। राज परिवार से बाहर हो चुके हैरी मुख्य बालकनी की जगह तीसरी पंक्ति में साधारण की कुर्सी पर बैठे दिखे। कार्यक्रम में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और हिंदू धर्म के अनुयायी ऋषि सुनक ने बाइबल पढ़कर इतिहास रचा। उन्होंने राजा के राज्याभिषेक को ब्रिटिश इतिहास और संस्कृति की एक गौरवपूर्ण अभिव्यक्ति के रूप में वर्णित किया। हालांकि राज्य अभिषेक समारोह के दौरान लंदन और कुछ अन्य शहरों में राजशाही के विरोधियों ने प्रदर्शन भी किया और नारेबाजी करते हुए समारोह को सरकारी धन की बर्बादी बताया। लंदन में पुलिस ने विरोध प्रदर्शन करने वाले 52 लोगों को गिरफ्तार किया, उन पर शांति भंग करने और अव्यवस्था फैलाने की धाराएं लगाई। 1.5 घंटे से ज्यादा समय तक चले समारोह के बाद महाराजा चार्ल्स और महारानी कैमिला 4000 किलोग्राम सोने से बनी शाही बग्घी पर सवार होकर अपने निवास बकिंघम पैलेस गए। इस दौरान 39 देशों के 4000 सैन्यकर्मी शाही बग्घी के साथ मार्च करते हुए बकिंघम पैलेस तक गए। ये सिलसिला जारी रहा, ये कार्यक्रम चलता रहा और लोग दूर दूर से इस कार्यक्रम का आनंद उठाते रहे और पहले के जमाने के राजा महाराजाओं के जिंदगी का आज के जमाने में अनुभव लेते रहे। आपका इस वीडियो पे क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं और इस तरह के तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए करारा न्यूज़ डे एंड नाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।